गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ममता बरेली ब्लॉग। फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि बेटी को जाना है स्कूल और मैं यहाँ पे कपड़ा मार रही हूँ गैस पे। शाम को ही मैं क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग उठ के मैं एक बार जरूर मैं किचन में कपड़ा मारती हूँ, साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी पे रोटी या पराठा बनाना होता है। मेरी निगाह बाहर जा रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई गेट पर आया हो, बट ऐसा है नहीं। अब मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि आज लंच में कुछ सब्ज़ी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए क्या दूँ। और फिर इसके बाद मुझे दक्ष के लिए भी टिफ़िन बनाना है, बाबूजी भी ऑफिस जाएंगे, तो आज मैं सोच रही हूँ उसके लिए आज प्याज का पराठा बनाऊँ। यहाँ पे मैंने गैस को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे और क्लीन कर लिया है, किचन को भी देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे। अब मैं फटाफट मैं यहाँ पे उसके नाश्ते की तैयारी कर लूँ फ्रेंड, और यहाँ पे और बेटी के लिए भी मुझे तैयार करना है। और यहाँ मैंने प्याज को धो लिया, छील के मैंने धो लिया है, इसको काट लिया है। अब इसको सोच रही हूँ कि चॉपर में इसको चॉप कर दूँ बहुत अच्छे से, जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी जाती है, 7 बजे निकल जाती है। और यहाँ पे मैंने चॉपर में डाल लिया है और इससे ना बहुत अच्छा ही चॉप हो जाता है, देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गया है। अब इसको सब मैं प्याज को हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आलू दक्ष हरी मिर्च नहीं खाएंगे। और यहाँ पे हल्की सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च, और नमक, अजवाइन और हींग आप इसमें ज़रूर मिलाएगा। मैंने आटे का डोर बहुत अच्छे से तैयार करूँगी और 5-6 मिनट तक इसको रख दूँगी, उसके बाद फिर इसको सॉफ्ट होने तक छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं हाथ लगा के इसको अच्छे से मैं तैयार करूँगा। फिर आ गई हूँ बीच में, बेटी के बाल बना रही हूँ, नहला दिया है मैंने, ड्रेस पहना दी है और इसको 2 चोटी बनानी है, तो मैंने फटाफट इसके बाल बना दिए हैं और अच्छे से मैंने इसको तैयार कर दिया है। फिर मैं बीच में निकल जाऊंगी किचन में, और हरी मिर्च को लिए बाबूजी के लिए अपने लिए हरी मिर्च बाद में मैं काट के डालूंगी। और बेटी यहाँ पे तैयार हो गई है, मैंने उसके सॉक्स सूट ढूंढ रही हूँ, लेकिन सॉक्स मैं पहना दूँगी। और कभी कभी करती है ना, खुद पहन तो लेती है लेकिन उल्टे सीधे पहन लेती है, और सॉक्स शूज तो लास्ट में ये खुद ही पहन लेगी, टाइम नहीं होता, तो मैं पहना देती हूँ। फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैंने उसके लिए पराठा घी में बहुत अच्छे से सेक दिया है, उससे पूछ के ही मैंने पराठा बनाया है क्योंकि उसे पसंद है और काफ़ी दिन बाद बनाया है। और टिफ़िन में यही लिए जाएगी, थोड़े से फ्रूट्स मैं रख दूँगी, बिस्किट रख दिए हैं मैंने, टिफ़िन तैयार कर दिया है। बेटी निकल गई है स्कूल के लिए, बहन आ गई है। फिर मैं किचन में बाबूजी के लिए नाश्ता वो हरी मिर्च मिला के मैंने पराठा यहाँ पे बना रही हूँ, और ये पराठा मैं और बाबूजी। फ्रेंड, आरू गई हैं स्कूल, मैंने उनको अपना लंच वंच उनका तैयार करके मैंने उनको स्कूल भेज दिया, दक्ष को उठाया, दक्ष को भी स्कूल में छोड़ आई हूँ। बाबू जी के लिए भी मैंने भी ब्रेकफास्ट तैयार करके, वो भी ऑफिस चले गए फ्रेंड। और मैंने घर पे आके दक्ष को छोड़ के अपना जो भी काम है मैंने फ्री हो गई हूँ, बाकी मेरा काम चलता रहता है फ्रेंड। और हम वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताना, और चैनल पे जो हमारे नए हों वो सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और हमारी वीडियो को आप पूरा देखा करो फ्रेंड, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली फ्रेंड में और शेयर करो फ्रेंड, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हमें बताओ कि हम कैसी वीडियो बनाते हैं, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। हमारे लॉन्ग वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो, और यहीं पे हम वीडियो का करते हैं एंड फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।